वाली कार, उसके आगे व्हाइट वाली कार, सब अपनी है। पता नहीं तुम। अभी हम घूमते घूमते पहुंच गए हैं डॉली भाई की चाय टपरी में। हाय गाइस, ये भोसड़ी के को 4 किलोमीटर इसने फालतू का चला है शिवराज ने। साला कुछ आता होता है नहीं, गूगल मैप देख के 4 किलोमीटर दूर चढ़ाया है। ये साला कहाँ ले जा रहा है पता नहीं। 4 किलोमीटर अभी गूगल मैप में देखे तो 4 किलोमीटर क्या बे शिवराज कैसा फोन दिखा ना। अरे आता नहीं है तो फोन दिखा उसको। अरे और गवार इंसान है, क्या ही करे। भोसड़ी कहने 4 किलोमीटर दूर चलाया अपन को। सारे को गूगल मैप देखना आता है नहीं। देखो मोबाइल पकड़ो और पहले पहले चलो भोसड़ी। हाँ अब कहा सही जा रही करे, क्या ही पता कितना किलोमीटर है और क्या ही पता भाई। झूठ पड़ेंगे मुंह। क्या ही पता यानी बोले तो क्या ही पता। भोसड़ी के इतना दूर चलाना पड़ता क्या। फिर डायरेक्ट शंकर नगर से जाएंगे, जीरो माइल पास में वहाँ से। शंकर नगर एक मिनट मेरे बात मान, देखते हैं वहाँ से कितना क्या पास है। ठीक है इतना देखेंगे भाई। भाई अपनी गाड़ी इधर खड़ी भाई। कौन सी साइकिल लेके आते हैं पता नहीं तुझे। हा? गाड़ी लिए आपने पता नहीं लिया। नहीं पता ना ये क्या पता नहीं। अच्छा ये सब हमारी कार का कलेक्शन। ये कौन सी कार है पता नहीं है। अरे अपनी व्हाइट वाली कार, ये रेड वाली कार, कार उसके आगे उसके आगे ग्रे, उसके आगे ब्लू वाली कार, उसके आगे व्हाइट वाली कार, सब अपनी है। पर अपन पैदल घूमने का अपन को शौक है भाई। इसमें पेट्रोल डीजल डालने के लिए पैसे नहीं, इसलिए इधर खड़े। हाय गाइस, अभी हम घूमते घूमते पहुंच गए हैं डॉली भाई की चाय टपरी में। अभी वहाँ पे जाके वीडियो बना नहीं सकते, इसलिए अभी यही से बता दे रहे हैं। बस थोड़ा शॉर्ट वीडियो बना के बता देंगे कैसा है। तो देखते हैं अभी यहाँ आ गया जिल्ला अपना, जिल्ला में डॉली भाई की डप्पी। Hey, y'all come look at this. जल्दी नहीं करता हूँ, बड़े प्यार से करता हूँ। जल्दी कर रहा हो ना, तुम्हारा मन भर जाए। हाय गाइस, तो अभी हम आ चुके हैं डॉली भाई की चाय टपरी से। इतना मज़ा नहीं आया चाय में भी, इतना मज़ा नहीं लगा मुझे तो। क्या नहीं 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 ये नहीं हो सकता। ये शिवराज भाई का वो थोड़ा रिएक्शन बताओ कैसा लगा तुमको। क्या ही एटीट्यूड, बड़े लोग बने तो फालतू एटीट्यूड है। इज्जत करो, तुम्हारा शॉप पे कोई आया तो उसकी पहली बात तुम इज्जत करो। तुम कितने भी बड़े बनो इज्जत करना सीखो, नहीं बोलना। एटीट्यूड पसंद नहीं आया पर उसका। हाँ मेरी जा, मेरा भैया का डायलॉग बहुत फेमस है, समीर भैया का। समीर भाई
अच्छा है यार, वो कितना भी फेमस हो ना इज्जत करता है अपने फैंस लोगों की। कभी भी बच्चों लोगों का ना उन्होंने बहुत बात खिलाया मेरा अंदर से। मैंने देखता ना भैया की वीडियोस तो बच्चों लोग की बहुत रिस्पेक्ट, बड़े या इंसान की कोई आया उनके मिलते भी बहुत इज्जत। इन्हें कभी उन्होंने एटीट्यूड नहीं रखा कि मैं इतना बड़ा बंदा हूँ ऐसा वैसा, फैन फॉलोइंग बड़ी ये सब है। फैन फॉलोइंग तो सब किया, तुम यूट्यूब पे आ रहे हो। एटीट्यूड मतलब कैसा उन्होंने करा, मोबाइल वगैरह बंद कर दो, ये कर दो वो कर दो, यानी एक क्या बात हुई तो अपन शॉप में है आपकी, थोड़ा ऐसे अच्छे से बोलो, जैसे मोबाइल आगे से वीडियो मत बनाओ, ऐसा मत बनाओ, क्या एटीट्यूड है भाई, छोड़ो क्या बोलो उसके बारे में। आप साल से रहे कभी उसके टपरी गए नहीं, अभी जान दो बोला आए आज करी भी चाहे तीसरे बोला चलो जानो घूमना डालू है तुम मिलते कैसा है देखते। बहुत जन यूट्यूबर से भी बहुत ट्रेंड वगैरह पे आया था इसलिए देखने चले गए, पता नहीं था बाबा इतना एटीट्यूड। बट मुझे तो चाय का रिएक्शन दे जरा तेरा, चाय ठीक ठाक था इतना भी चाय उतनी थी उतनी अच्छी नहीं थी पर ठीक थी। झूठ बोल रहा है, छोड़ो क्या बोल सकते हैं, दोनों सोने के बाद होता है ऐसा, देखे हैं बहुत लोग होते होंगे, पता नहीं भाई पर ऐसा नहीं रहना चाहिए यार, एटीट्यूड नहीं रहना चाहिए इतना। सर जिंदगी में कभी भी रिस्पेक्ट करना शुरू उसमें तुम्हारा सब दिन जान सब उसी में चाहिए, चलो जान खुशी पर। चल ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले व्लॉग में, चलो ठीक है बाय बाय।